सलाम आदाब। ये हम अभी जो है ना, हम अपने दोस्त मतलब मित्र से मिला रहे हैं। ये जो है अमरजीत कुमार पासवान जी, जिनका सपना है एक हेलीकॉप्टर बनाने का। ये मतलब ये समझ लीजिए कि एक ख्वाब है। मतलब लोग जैसे ख्वाब में देखते हैं ना, मैंने सोए में ख्वाब देखता है कोई, ये एक ख्वाब देखे हैं मतलब जगह में, जिसको जिसका साकार करने ये चल दिए हैं। लोग सपना तो देखते हैं लेकिन पूरा जो है ना कोई करने नहीं, मैं शुरुआत नहीं करता है। असल जो है बहादुर वो है जो किसी सपने का जो है ना शुरुआत करता है, वही तारीख बनाता है। जो आज के डेट में ये अमरजीत कुमार पासवान जी ये साबित कर दिए हैं कि सपने सिर्फ जो है ना सो के, मैंने अब्दुल कलाम का जो ये स्लोग है कि सपने तो वो नहीं जो लोग सो के देखते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं दे। सपने असल वो है जो सोने नहीं दे, जिसको आज अमरजीत कुमार पासवान जी ने साबित कर दिया कि ये सपना, जिसको मतलब ऐसा सपना मैंने देखा है जो मुझे सोने नहीं देता है, और उस सपने को साकार करने ये चल दिए हैं हेलीकॉप्टर बनाने का। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर है जो अमरजीत कुमार पासवान जी का सपना है। इसको जो है ये मैंने शुरुआत कर दिए हैं बनाने का, और बहुत दूर तक जो है पहुँचाए हैं, जिसमें इनका कोई सहयोग मतलब ये अकेला तन तनहा चले हैं। इनके चार भाई हैं, इनके एक पिताजी हैं जो बहुत गरीब घराने से हैं, और अमरजीत भाई भी बहुत गरीब घराने से हैं, लेकिन बस शुरुआत कर दिए हैं। इनका सपना है कि हमने शुरुआत कर दिया, पूरा करने वाला ऊपर वाला है, जो अभी तक जो है ना वाकई पूरा, मैंने हम लोग कहानियों में पढ़ते थे, ये हकीकत में देखने को मिला है कि कोई अगर किसी चीज़ का शुरुआत करता है तो उसका जो है ना पूरा भी ऊपर वाला करता है। और देखिए मतलब लगभग लगभग 70% इस सपने को पूरा किए हैं कि तन तनहा चल के। और इनके एक मित्र हैं जो साथ दिए हैं इनका, और इनके चार भाई हैं, सभी लोग मिल के जो है ना एक परिवार ही जो है इनका साथ दिया है। छः भाई, जिसमें क्या है कि ये सरबजीत कुमार जी इनके भाई हैं, जो मैंने समझिए कि पूरा 100% सहयोग इनका देते हैं, हौसला देते हैं। इनके पिताजी भी हौसला देते हैं कि बेटा अपने सपने को पूरा करो, हम लोग हैं। तो हम लोग आए हैं मतलब किसी न किसी के माध्यम से सुन के। आज हमको देख के इतना खुशी हुआ कि मैं क्या कहूँ, मैं जो है मैंने उतावला हूँ, मतलब इस चीज़ को देख कर मैं खुद उतावला हूँ। और जो है मैं बोला हूँ कि भाई मेरे से जो भी होगा हम आपके साथ हैं, जो है ना, और आप लोग भी सब साथ रहेंगे, एक रुपये दो रुपये जैसे होगा हम लोग मदद करेंगे इस भाई का जो है सपने को पूरा करने को। इसलिए कि ये जो अगर सपना पूरा हुआ ना, पूरी दुनिया जो है हिल जाएगी और सभी लोगों का मुनाफा होगा इसमें। इसलिए कि ये जो है 6 सीटर का एक जो है ना हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। इसका असल खास बात यह है कि मतलब असल खास बात जो है ना, मैं सरबजीत भाई से जो है ना मतलब इनके मुँह से ही आप सुनिए कि इसका जो है खास बात क्या है। हाँ तो सरबजीत भाई, ये मतलब इस हेलीकॉप्टर को बनाने में खास बात क्या है जी? देखिए, ये हमारे अमरजीत हैं जी, जी जो हमारे छोटे भाई हैं, हमसे छोटे हैं, पर ये हेलीकॉप्टर को आगाज कर दिए हैं बनाने के लिए, और हम लोग काफी इनको सपोर्ट करते हैं जी, जी, हमारे जी। कुछ मित्र लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सर आप आए हुए, आप भी कुछ डोनेट किए, हमको बहुत अच्छा लगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मतलब लोग आए। और इस हेलीकॉप्टर की खास बात ये है, ये हेलीकॉप्टर ना डीजल से चलेगी, ना पेट्रोल से चलेगी, ना सोलर से चलेगी, ना बैटरी से चलेगी, विदाउट ईंधन से चलेगी। जो चीज से इस हेलीकॉप्टर को एनर्जी मिलेगा, जिस इंजन को एनर्जी चाहिए कि ये हवा में उड़ सके, उसके लिए हमारा भाई एक अलग तरीका से खोज किए हैं, जो वो बात सीक्रेट रखे हैं, यहाँ तक मैंने किसी से भी नहीं बताया जा रहा है। इसलिए कि उस चीज़ को ये उस दिन बताएंगे कि जिस दिन ये मतलब उड़ जाए, जी जी, उस दिन सारे लोगों को ये बता देंगे कि इस चीज़ से चलेगी। अब इनसे अगर आपको परिचय करा रहे हैं, ये अमरजीत जी हैं, इनसे कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ये हमारे अमरजीत भाई हैं जिन्होंने जो फाउंडर हैं इस हेलीकॉप्टर का, ये तन तनहा जो है ना मतलब इसका जो है डिज़ाइनर है, फाउंडर है, इंजीनियर है, हर कुछ। और सबसे खास बात आपको बता दें कि अमरजीत भाई हमारे जो है ना एक क्लास तक पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये जो है मतलब हर चीज़ का कंट्रोलिंग इनके पास है, सारा कुछ का जानकारी इनके पास, और ये डेमो बना के ऑलरेडी उड़ा चुके हैं।
ऐसा नहीं कि ये सपना जो है ना मतलब जो डेमो बनाए हैं वो कितना दूर तक उड़ा कितना हाइट उड़ा ये बताए हैं क्या सर? इन्हीं के जो है ना जुबानी सुन रहे हैं सर, जरा सा बताइए आप अपने बारे में। देखिए वो सर 200 फीट हाइट उड़ा था और 600 फीट लंबाई तक गया था वो जो आप डेमो बनाए थे। तो सर मतलब हेलीकॉप्टर, तो कहने का मतलब है कि हमारे भारत में तो हेलीकॉप्टर जो है हर इलाके में हर एरिया में नेता मंत्री लोग चलते हैं, हेलीकॉप्टर तो ऑलरेडी उड़ रहा है, लेकिन आप हेलीकॉप्टर जो बनाने जा रहे हैं इसमें कुछ तो खास बात है जिसकी वजह से आप उड़ा रहे हैं? जी सर क्या खास बात है? देखिए खास बात सबसे ये है कि ये तो ना डीजल से उड़ेगी ना पेट्रोल से उड़ेगी ना बैटरी से उड़ेगी ना सोलर से उड़ेगी। जी ये अपना खोज हमने की है, काफ़ी इसमें खोज में हमारा मेहनत लगा था, मैंने विदेश में हम रहा वहीं से हम अपना मतलब खोज किया था उसको, कम से कम खोज करने में हमें 28 महीना लग गया। अच्छा है ना, जब हम विदेश से आया था इसको डेमो बनाया, डेमो में सक्सेस हुआ उसके बाद से हमने। जी ये एक बार के लिए जो है ना ये फोटो दिखाइए हमारे सर का जो जिन्होंने साथ दिया, मतलब इनके दोस्त हैं ये, क्या नाम है सर इनका? धर्मेंद्र जी। ये धर्मेंद्र जी हैं ये जो इनके साथ है, ये सरबजीत भाई हैं और ये हमारे फाउंडर हैं हेलीकॉप्टर का, ये आपका अमरजीत कुमार जी। जी और मैं ये कहूँगा कि दोस्तों जो भी लोग देखें जो भी इसको देखें इसको मैंने इनका सहयोग करीब आ जाए, इनका जो है ना ज़रूर सहयोग करें, इसलिए कि ये एक सपना है और हर किसी के सपने को पूरा करना भी अपना पूरा मैंने सपने को पूरा करने के बराबर है। ये हमारे अमरजीत भाई का नंबर है, ये 7250013741, ये गूगल पे और फ़ोन पे नंबर है। भाई मैं तो आया हूँ पहली बार और मैं देखकर तो मैं खुद उतावला हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं किसी क्वेश्चन और आंसर के पीछे नहीं जाता, मुझसे जो सहयोग हुआ मैंने फर्स्ट जो है ना इनको डोनेट किया, 1001 रुपये मैं डोनेट किया मैंने अपने मुताबिक। आप भी आपसे जो होता है वो करें सर, 10 रुपये 5 रुपये जिनको जो सहयोग हो, इसलिए कि इस सपने को पूरा करना है, इसमें हिस्सा लेना है। आप अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप शुरुआत करिए सर, बस इतना कहेंगे और कुछ नहीं। ये दिखा रहे हैं आपको सर, ज़रा सा दिखाइए ये हेलीकॉप्टर का, ये देखिए ये सर, हाँ ये सीट है ना सर। अच्छा पीछे चार सीट है ना। छः चढ़ के भी दिखा दीजिए, लो बैठ जाइए लो। हाँ ठीक है, यहीं से जाइए बैठिए हम। देखिए अभी जो हमारे सर आए हैं, हमारे मतलब एक बड़े भाई हैं, भाई बराबर हैं, और मतलब हम सरबजीत खुद ही सरबजीत बोल रहा हूँ, और देखिए मेरे बड़े भाई और मेरे अमरजीत दोनों आदमी सीट पर बैठ चुके हैं और आपसे बताएंगे कि कैसे हेलीकॉप्टर को किस प्रकार से उड़ाया जाएगा, किस प्रकार से। देखिए ये लोग अपने पायलट सीट पर बैठ गए हैं और हम अमरजीत से जानना चाहते हैं कि अपने दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर को ये आगाज करेंगे, उड़ाएँगे हवा में। आइए हम इनसे आपको बताते हैं, और हम भी जानते हैं पर हम अमरजीत के मुंह से ही हम जानना चाहते हैं। अमरजीत आप बताइए कि वो क्या चीज़ है जो आपके पांव के नीचे है? ये गियर है। जी ये गियर लेने में अपना दिशा चेंज करेगी। अच्छा, यानी कि हवा में मतलब? हवा में। हाँ। ये तो पहले लीवर हुआ। हाँ। हम लीवर जैसे उठाएंगे। हाँ। तो हेलीकॉप्टर हमारा जमीन छोड़ने लगेगा। अच्छा ये लीवर उठाएंगे तो हमारा हेलीकॉप्टर जो है जमीन छोड़ने लगेगा, और इसको अगर आगे जाना चाहते हैं इसको उठा कर रखिए और ये स्टीयरिंग है जो हम आगे करेंगे तो ये हेलीकॉप्टर हमारा आगे जाएगा। अच्छा है ना, इसको पीछे भी लेना चाहते हैं तो ये पीछे जाएगा। अब आप ये बताइए कि मतलब आप इसमें कितने आदमियों को बैठाएंगे? 6 आदमी को पायलट को लेकर 6 आदमी, 5 आदमी को बैठाएंगे। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। तो दोस्तों आप सुन रहे होंगे हमारे भाई से कि जो हमारे भाई आप सबको बता रहे हैं कि कैसे उड़ाएंगे, और ये हमारे जो भाई आए हैं वो बैठे हुए हैं, काफ़ी खुशी हैं वे, इतने दिल से खुशी है कि आज हम मतलब अपने मतलब आसपास के पड़ोस के गांव में आए हैं, इस प्रकार से काम हो रहा है। हम खुद सरबजीत बोल रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि जो ये आए और अमरजीत यानी कि हमको हौसला हमारे अफजाई किए, और बेचारे बहुत खुश है। अब आइए आपको पंखे उंखे दिखा देते हैं हम, और देखिए ये उतर रहे हैं अब, और
काफी बेचारे मुस्कुराते हैं। बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये सपना मेरा है। लोग तो सपने देखते थे कि मतलब हम लोग तो सपना देखते हैं कि एक बार हेलीकॉप्टर पे उठे। अरे हम आज बैठ गए यहाँ, मतलब वो चढ़ने का क्या बात बोले कि मतलब बनाने का जो है ना सोचा गया है। और देखिए हम ये आपको दिखा रहे हैं, ऊपर के हिस्सा है, ऊपर के पंखा है जो अभी काम किए हैं, अभी थोड़ा सा अधूरा काम है, और जैसे जैसे इनके हम लोगों के पास पैसा हो रहा है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं। अमरजीत जी, थोड़ा अमरजीत आप हेलीकॉप्टर को इंजन के बारे में कुछ बता दीजिए अपने दर्शकों से, कि वो लोग भी देखें तो कहे कि हाँ इंजन में क्या किए हैं। आप भी चले जाए भैया, आइए मौली साहब, आप भी चले जाइए, आप लोग भी चले जाइए। हाँ तो ये क्या आप बताइए अमरजीत अपने दर्शकों से कि आपने मतलब जितने भी लोग हैं। ये तो हमारा छोटा पंखा है। अच्छा, अच्छा। पीछे वाला गियर पंखा का। हाँ, हाँ। ये पंखा है छोटा। ठीक ठीक। और ये जो अपना इंजन का पूरा सिस्टम है। हाँ। है ना, ये यहाँ से हम दो इंजन जो बनाएंगे। हाँ। ये एक इंजन यहाँ पे लगाएंगे, एक इसका बाजू में लगाएंगे। अच्छा, है ना। और ये अपना सीधा एक लीवर जो गया है अपने वो बड़ा छोटा वाला पंखा में। अच्छा, गियर बॉक्स के पास गए। जी जी। और ये तीन लीवर गया है ऊपर जो सॉक्स प्लेट हमने लगा दिया। आप लोग देख रहे हैं जो लंबे से देख रहे हैं, काले से जो रड जैसे दिख रहा है गोल, वो सॉक्स प्लेट है, है ना। और यही सक्स प्लेट ऊपर वाला जो पंखा, बड़े वाला पंखा जो होता है, इसको नचाने में काम आता है, जो हमारे भाई अमरजीत सेट कर चुके हैं और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने उड़ाने का भी काम करेंगे, है ना। आप लोग जब तक उड़े उड़ेगा देखिए कितना बेचारे उत्सुक है। और चलिए आप मौली साहब आप अपना परिचय दीजिए, कुछ आपका नाम क्या है, आप क्या। जी मैं अब्दुल रहीम नदवी यहीं चकमंजन से हूँ। अच्छा। मुझे पता चला हेलीकॉप्टर के बारे में, बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये हमारे जो भाई हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बल्कि बहुत मामूली पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद अपने जहन से, अपनी जहानत से, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बल्कि शायद ये कभी इससे पहले हेलीकॉप्टर में बैठे भी नहीं है, कभी बैठे हैं, कभी बैठे भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा काम करने के बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, हम सब की दुआएं हैं कि ये बड़ा काम करें और दुनिया में नाम इनका रोशन हो। बल्कि जब भी इनकी ज़िंदगी जब तक रहे इस दुनिया में या आइंदा दुनिया में, हर जगह अल्लाह ताला इनको सही रास्ता दिखा कर और कामयाबी की तरफ लेकर जाए, इस मामले में भी अच्छा रास्ता दिखाए कि अच्छा से अच्छा बन जाए, और इसके बाद की भी जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला अच्छा रास्ता दिखाता रहे ताकि ये कामयाबी की तरफ जाए। और बहुत खुशी की बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर में जो खसूसियत है वो बहुत बड़ी खसूसियत है, वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि बगैर ईंधन के, यानी बगैर पेट्रोल, बगैर डीजल, बगैर गैस, बगैर सोलर सिस्टम, बगैर किसी चीज़ के ये चलेगा। अब ये कैसे चलेगा वो अल्लाह जानता है, अल्लाह ने इनको जो दिमाग दिया है, फिर ये बना कर जब उड़ा कर दिखाएंगे तो फिर हम सब देखेंगे, ऐसे ही है ना। जी जी। तो ये बहुत, यानी समझिए कि ताज्जुब की बात है और बहुत खुशी की बात है, और ये बहुत बड़ा काम है। समझिए कि अगर ये तैयार हो जाता है तो पूरे बिहार ही में नहीं, बल्कि पूरे इंडिया ही में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन होगा। तो बगैर ईंधन के हेलीकॉप्टर तैयार, अल्लाह तबारक ताला सही रास्ता सबको दिखाए और सबको कामयाबी अता फरमाए। मेरे भाई को अल्लाह ताला खास मदद अता फरमाए कि अल्लाह ताला मेरे भाई को यहाँ पे भी मदद फरमाए, यहाँ पे इनको तरक्की अता फरमाए, और जब तक इनकी ज़िंदगी रहे इनके फैमिली में, इनके दोस्त अहबाब सबको अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए, और जहाँ भी इस दुनिया से आदमी चला जाता है तो फिर उस दुनिया में चला जाता है, अल्लाह ताला उस दुनिया में भी तरक्की के लिए रास्ता यहीं से खोल दे। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मौली साहब आपको। देखिए ये हमारे मतलब देखने के लिए, हेलीकॉप्टर देखने के लिए मौली साहब आए थे, जो अपने मुंह से इतने अच्छे शब्द के प्रयोग किए कि हम लोग मतलब भावुक हो गए। कहा जाता है जो भावुक, वो अपने वाणी से इन्होंने हमको भावुक कर दिए, और देख रहे हैं कि इतना जो भी लोग हैं, मतलब ये जो है हमारे अमरजीत भाई के जो है ना जो फाउंडर हैं हेलीकॉप्टर के, उनके पिताजी हैं ये जो है ना बहुत गरीब घराने से, मतलब मैंने गरीबी से इन लोगों को पोसपाल के बड़ा किए हैं आज, और आज देखिए इस सपने को जो है ना साकार करने में इनका पूरा सहयोग है। मतलब क्या बोला जाए कि जब ये इनका ख्वाब था कि बनाना है हमको, तो पिताजी को बताएं कि हम हेलीकॉप्टर बनाएंगे, तो इन्होंने इनको पीटा भी है, लेकिन फिर बोला कि तुम्हारी जिद है तो चलो करो, हम साथ देते हैं। इन्होंने अपना ज़मीन तक भी बेचा है,
जो है इसको इस सपने को साकार करने के लिए बस यही सपना है कि ये पूरा हो जाए। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।